मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा के साथ रविवार की शाम भोपाल के कोलार में भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में रोड शो किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कोलार के सर्वधर्म शादी हॉल से सर्वधर्म पुल तक खुले रथ पर सवार होकर जनता का अभिवादन किया और पार्टी प्रत्याशी के लिए आशीर्वाद मांगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो के समापन के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, भोपाल में जनता का उत्साह देखकर समझ में आ रहा है कि उत्साह विपक्ष के मनोबल को गिराएगा। आज भोपाल में ऐसा लग रहा है कि पूरा शहर सड़क पर आ गया है। यह हमारे लोकतंत्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गौरवान्वित करने वाला क्षण है। इस बार सभी को भारत को नंबर वन देश बनाने के लिए अपने घरों से निकलकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करना है। देश कह रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार। भीड़ के साथ सड़क पे उमड़ी है, जनता भाजपा को आशीर्वाद दे रही है। हमारे भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी मात्र हमारे आलोक शर्मा जी, मेरे मित्र और माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, हमारे आशीष अग्रवाल जी, मीडिया प्रभारी हम राहुल कोठारी जी, सारे मित्रों के साथ आज जिस ढंग से जनता ने प्रेम लुटाया है, मैं सबका आभार भी मानता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रचंड जोश और होश के साथ ये प्रदर्शन हुआ है, यह दुश्मन की छाती ठंडी करने का काम करेगा और एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। मेरी अपनी ओर से भोपाल का आभार भी, लेकिन हर एक व्यक्ति को मतदान का पूरा मौका लेना है, मताधिकार सबको करना है और मोदी जी के लिए एक बार फिर मोदी सरकार और फिर तीसरी बार मोदी सरकार। मैं अपनी ओर से पुनः आपसे आह्वान करता हूँ, दुनिया में भारत को नंबर वन देश बनाने के लिए और मोदी जी को जिताने के लिए, भाई आलोक शर्मा जी को जिताने के लिए भाजपा के प्रति वोट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।